अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी, नहायत ही मज़ेदार बनती है, नहायत ही आसान है। शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हैं, 5 अदद हमने प्याज बड़े बड़े ले लिए हैं, इसको शामिल करते हैं। तेल हमने शामिल कर लिया था तकरीबन 1 कप। तो गोल्डन होने तक हम पकाएंगे, भूनेंगे इन्हें। ये टमाटर हैं 2 अदद, ये सब्ज मिर्च हैं 15 अदद। हमने इसमें नमक डाल लिया है। भिंडी है, हमने इसको तवे पे थोड़ा सा घी डाल के या तेल डाल के ना इनको थोड़ा रोस्ट कर लिए ताकि इनकी लेस ख़त्म हो जाए। ये प्याज हमारे हो गए हैं गोल्डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर शामिल करेंगे, जो 2 अदद टमाटर है, सब्ज मिर्चें ये शामिल करेंगे, इसमें नमक डाला होगा, इसको मज़ीद भून लेंगे। मसाले डालेंगे, इसमें मसाले नहीं ज़्यादा डालते, सिर्फ मिर्चें, नमक, हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच मैंने डाल लिया मिर्च, सूखा धनिया आधा चम्मच, हल्दी है, नमक है। बस बेसिक डालना है क्योंकि पहले हमने मिर्चों में भी डाला हुआ नमक। ये बनाते हैं, थोड़ा ही चम्मच डाला मैंने, तो मज़ीद भून लेंगे। इसमें भिंडी शामिल करेंगे। ये भिंडी हमने ना घी डाल के तवे पे या फ्राई पान में आप तल लें, सिलका हल्का, इसमें जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाह। 1 किलो भिंडी है, हमने भिंडी शामिल कर दी है, आप इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। जैसे कहना हमारी भिंडी में कोई लेस नहीं है, वैसे लेस होती है भिंडियों में, माशाल्लाह इतनी अच्छी बनती हैं ये। अच्छी तरह मिक्स करके इन्हें 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, भिंडियाँ टमाटर वगैरह सब कुछ गल जाएगा। मिक्स हो गई हैं, हम इसको दम पे लगा देते हैं। जब हमने दम लगा दिया 5 मिनट के लिए, अब इसे हम ढक देते हैं ताकि भिंडियाँ वगैरह गल जाएं सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी भिंडी माशाल्लाह तैयार है, ये देखें 5-10 मिनट में ये पक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती है। मज़ीद इसे भून लेंगे, बस हमारी तैयार है, तकरीबन तैयार है।
ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनती हैं, सिंपल सी हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। तकरीबन हमारे तैयार हो गया, बस ये आग बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह।